रमाई घर कुल योजना के तहत चयनित हितग्राहियों को प्राप्त राशि में से पहली किश्त का वितरण किया जा चुका है। इस आशय का पत्र नागपुर नगर निगम की ओर से पालक मंत्री नितिन राउत को, दूसरी किश्त और सरकार की ओर से 40 करोड़ रुपए का अनुदान 9 लाख हितग्राहियों को प्रदान करने के लिए सौंपा गया। इस संबंध में महापौर दयाशंकर तिवारी ने मनपा की आम बैठक में निर्देश दिए हैं। रमाई घर कुल योजना के लाभार्थियों को 2 साल पहली किस्त का भुगतान करने के बाद भी दूसरी किस्त का भुगतान करना बाकी है। इससे लाभुक घर से बाहर रहने को मजबूर है। इस स्थिति को देखते हुए महापौर ने निगम प्रशासन को जल्द से जल्द राशि उपलब्ध कराने के लिए सरकार से संपर्क करने का निर्देश दिया था। इस संबंध में अध्यक्ष DNS और मुख्य अभियंता लीना उपाध्याय ने पालक मंत्री नितिन राउत को एक पत्र सौंपा। जैसा कि इसमें उल्लेख किया गया है कि 2014 की चयन सूची के अनुसार 14,906 करोड़, दिनांक 7 जून 2017 के पत्र के अनुसार 25 करोड़, 6 जनवरी 2021 के पत्र के अनुसार कुल रुपए प्रथम एवं द्वितीय चरण में कुल 3,064 स्वीकृत हितग्राहियों में से 2,087 हितग्राहियों को लाभ दिया जा चुका है। 5% की दर से प्रशासनिक व्यय में कटौती कर हितग्राहियों को 37.97 करोड़ का वितरण किया गया है। वर्तमान में 1.36 करोड़ रुपए की राशि शेष है और स्वीकृत लाभार्थियों में से शेष 977 लाभार्थी तथा दूसरी और तीसरी किस्त की राशि को मिलाकर लगभग 40 करोड़ की मांग समाज कल्याण विभाग नागपुर को 3 मार्च 2020 को पत्र के माध्यम से भेजी गई थी। इसके अलावा 8 जुलाई 2020 को लिखे पत्र में बताया गया है कि कुल 16 करोड़ रुपए की राशि तत्काल उपलब्ध कराई जाएगी। घरकुल निर्माण समिति की प्रत्येक बैठक में समाज कल्याण विभाग को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन अभी भी फंड की कमी है। रमाई घर कुल योजना के तहत नागपुर नगर निगम में 7.40 करोड़ का ब्याज जमा किया गया है और लाभार्थियों को लाभ प्रदान करने के लिए आगे की कार्यवाही की जानी चाहिए। ऐसी जानकारी सदस्य सचिव ने समाज कल्याण विभाग को दी। हालांकि चूंकि कार्यालय के पास संबंधित राशि खर्च करने का अधिकार नहीं है, इसलिए आयुक्त समाज कल्याण आयुक्त पुणे को अनुमोदन के लिए एक पत्र भेजा गया है। इसके अलावा कुल 2,119 आवेदन धन की कमी के कारण लंबित है। लाभार्थियों को पहली किस्त का भुगतान करने के बाद धनराशि की कमी के कारण कोई और किस्त का भुगतान नहीं किया गया, इसलिए लाभार्थियों को किराए के मकान में रहना पड़ रहा है। इन मामलों को देखते हुए इस पत्र में अनुरोध किया गया है कि 40 करोड़ रुपए के अनुदान को जल्द से जल्द मंजूरी दी जाए और नगर निगम को राशि के हस्तांतरण के बारे में सरकार को सूचित किया जाए। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।